चुत्तड़ बज गया भाई साइड से। फक। भाई 2 किलो का है, किसी के माथे में मार दूं यार मैं, सर पड़ जाएगा बंदे का तो यार। 100 किलो टबलरॉन इनके पास। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? Day 3 आज हमारा याइलू में, और हम याइलू सब जाएंगे ओस्लो चेकआउट कर रहे हैं, और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। गाड़ी की हालत देख के आपको पता लग ही गया होगा, और अभी आधा घंटा से साफ़ करने में लगेगा क्योंकि बहुत ही मोटी लेयर जम चुकी है। देखो बिल्कुल पाउडर स्नो है, सुबह से स्नोफॉल हो रहा है, अभी हल्का हल्का हो रहा है। बस अभी थोड़ा उसको साफ़ करेंगे, चेकआउट हमने कर दिया, सामान लोड करेंगे गाड़ी में और चार्जिंग करेंगे। बीच में 80% नहीं 20% चार्ज रहेगा सिर्फ, 80 किलोमीटर चलेगी और 50 किलोमीटर दूर सुपर चार्जर है, सो वहाँ चार्ज करेंगे। और बस आपको रास्ते में दिखाएंगे, अभी ओस्लो जाके भी शायद बारिश हो रही हो वहाँ पे, इतना पता नहीं स्नो हो रही है नहीं हो रही है। और ये देखो लाइट जलती है तो कैसे दिखती है, ये देखो पूरी कवर है स्नो में यार। सो नहा धो के निकल गए थे यार, बढ़िया मज़े आते हैं नहाने में सर्दियों में, घंटा नहीं आते हैं सिर्फ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहा के निकला हूँ, बिल्कुल मन नहीं था नहाने का। निकल गए अभी, लगभग 2 घंटे की 2.5 घंटे की राइड थी यहाँ से ओस्लो की, 205 कुछ किलोमीटर था, तो 80 की स्पीड पर अगर आप रखेंगे तो पहुँच जाएंगे मतलब 3 घंटे में लगभग। लेकिन हम और थोड़ा स्लो चल रहे थे क्योंकि आइस है रोड पर ना, तो हम ज़्यादा मतलब रिस्क ले नहीं रहे, और पहाड़ी रास्ता था सो हम 60-65 में चल के आए हैं। अभी हमने 80 करी क्योंकि स्ट्रेट रास्ता है, और अभी हमारी बैटरी रह गई है कितनी, 68 किलोमीटर्स की बैटरी रह गई है टोटल, यानी 15% बैटरी रह गई, तो हम इसको अभी सुपर चार्ज करेंगे। अभी तो यहाँ बढ़िया नज़ारा है, बर्फ ही बर्फ, सफ़ेद एकदम हो रखा है सब कुछ। पता नहीं जन्नत देखने के लिए मरते हैं कि मर के जन्नत देख ले, यार जीते जी भी देख सकते हो तुम, क्या दिक्कत है, आ जाओ यहाँ देख लो, बहुत जगह जन्नत है धरती पे, मरने की जरूरत नहीं है, धरती छोड़ने की जरूरत नहीं है जन्नत देखने के लिए, यहाँ रहते रहते देख सकते हो। पहुँच गए हैं सुपर चार्जर पे, यहाँ कई सारे लगे होते हैं लाइन से, देखो उस तरफ से लेके यहाँ तक 10-15 सुपर चार्जर लगे हैं यहाँ पे, और गिनती की 4 या 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। टेस्ला के साथ ये चीज़ अच्छी है कि इसका सुपर चार्जर का जो नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है, तो आप नॉर्मल चार्जर पर भी आप कर सकते हैं चार्ज, और सुपर चार्जर पर भी। सो फ़ायदा ये होगा टेस्ला लेने का कि आपको 2 मतलब एक तरह से चार्जर मिल सकते हैं, कोई और गाड़ी अगर आप लोगे तो आप उसको टेस्ला में चार्ज नहीं कर सकते, उसको आप नॉर्मल वाले में करना पड़ेगा, जैसे कि उस तरफ लगे होंगे, ये उस तरफ नॉर्मल पेट्रोल पंप है, 2-3 स्पॉट होंगे चार्ज करने के, तो नॉर्मल कार होगी किसी के पास तो उसको उसमें चार्ज करनी पड़ेगी, लेकिन टेस्ला का ये फायदा है। जब ग्रीन ब्लिंक करने लग जाएगा तो उसमें चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, 1 हाँ देखो स्टार्ट हो गया चार्जिंग, पर अंदर ये देखो पंद्रह मिनट में चार्ज कर देगा। Thank you.
अभी ऑस्लो से लगभग हम हैं 66 किलोमीटर दूर, और यहाँ देखो यहाँ पे बर्फ का नामो निशान ही नहीं है। लग रहा देख के कि ऐसे यहाँ भी समर ही चल रहा है। लेकिन टेम्परेचर अभी है बाहर का 3 डिग्री, लेकिन बाहर स्नो वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम से ट्रांजिशन हो गया वाइट से ग्रीन में। पहुंच गए हैं लगभग हम अपने होटल से, जस्ट हम हैं 3 मिनट दूर। और ये मैंने बहुत देखा है इंस्टाग्राम पे, गाड़ी कर दी है पार्क। और एक फ़ायदा और हो गया है इलेक्ट्रिक कार का कि यहाँ पार्किंग काफ़ी सस्ती है। सो 2 घंटे की 11 करोड़ यानी 5 करोड़ लगभग 40 रुपये 1 घंटे की, और रात को 8 से लेके सुबह 9 बजे तक फ्री है। सो हमें 2 घंटे की ले ली अभी, क्योंकि अभी क्या टाइम हुआ है, घड़ी कहाँ गई मेरी, अभी बजे हैं 4:30, 2 घंटे की ले ली है, उसके बाद फ्री हो जाएगा सारा। और बस अब सामान लेके ऊपर जाएंगे रूम में। यार ये वाला हमने शेयरिंग लिया था, मतलब कि एक फ्लैट में 4 रूम है, तो एक रूम हमारा शेयरिंग के हॉस्टल टाइप जो होते हैं वही है, ज़्यादा महंगा नहीं है वाला। ये सेंटर है भाई ऑस्लो का, और ये लाइटिंग हो रखी है क्रिसमस के लिए। सोचा मैं रात को ही दिखाता हूँ, दिन में तो दिखेगा नहीं है। सवा 6 टाइम हो रहा है, अंधेरा देख के लग नहीं रहा, लेकिन ऑस्लो सेंट्रल स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है सेंट्रल। यहाँ से आप हर जगह की ट्रेन पकड़ सकते हो, डेनमार्क और स्वीडन की भी। शायद टाइगर है, बहुत ही बड़ा है। मैं इसके एक दिखाया तो इस कान तक आ पा रहा हूँ सिर्फ, सो आप सोच लो कितना बड़ा होगा। पूरी यूरोपियन वाइब है यहाँ पे, हालांकि स्कैंडिनेविया में जो मेनलैंड यूरोप की जो वाइब्स है वो कम होती हैं, लेकिन यहाँ पूरी यूरोप की वाइब है। और ये वॉकिंग स्ट्रीट है जैसे कि हर यूरोपियन कंट्री में होती है। और जो मेरी जैकेट की जिप टूट गई थी स्कीइंग करते हुए, वो स्टोर ये रहा। इनको देख के वन से पूछते हैं अगर चेंज वेंज कर दें तो ये कुछ, हालांकि उम्मीद कम है लेकिन फिर भी देखते हैं। और ये पूरी की पूरी वॉकिंग स्ट्रीट ऐसे, और क्रिसमस डेकोरेशंस तो लगी रखी हैं पूरे यूरोप में। बोला कि चेंज तो हो जाएगी, लेकिन आपने बर्गन से लिए और ये ऑस्लो है, तो मेरे को 2 हफ्ते लगेंगे आपको वापस इसको ठीक करा के देने में, तो बेटर है कि आप वहीं से करा लें। तो मैं ठीक है यार वहीं से करा लेंगे, काम बन रहा है अभी। जिप चल नहीं रही है इसकी, लेकिन ये जो बाहर बटन दे रखे हैं ये लगा के पूरा पैक हो जाता है। काम बनना चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए, बस बाकी ठीक है। ये है विंटर वंडरलैंड। लास्ट ईयर इस टाइम पे मैं था यूके में, स्कॉटलैंड। ये बिल्कुल दिवाली मेले की तरह है, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, और इसीलिए मैं अपना कोई भी ट्रैवल प्लान होता है वो करता हूँ मैं न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे, ताकि ये चीज़ देखने को मुझे मिले। और ये देखो इसके अंदर एक प्लेट 40 क्रोन की है, यानी 832-350 रुपये की। इसमें एक प्लेट आपको ये मिलेगी, आपके 2 नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, 2 में से अगर कोई भी एक आया उस साइड तो आपको गिफ्ट मिलेगा। सो 4 प्लेट आप 100 करोड़ में ले सकते हैं, यानी 4 प्लेट यानी 8 नंबर, सो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जीतने की। और इसमें अपनी किस्मत बहुत माड़ी है, अगर हाँ कोई शूटिंग वूटिंग का गेम होता, निशाने लगाने का गेम होता, इसमें अपने हाथ काम आ सकते थे, इसमें पैसा वेस्ट करेंगे नहीं। फिर यहाँ खड़े हुए लोगों को देखेंगे किस किस का क्या क्या निकलता है। नंबर आया है 67 68 68, किसी का नहीं आया। पैसा बर्बाद पहनचो है, 2 किलो का है, किसी के माथे में मार दूं घर में जो सर पड़ जाएगा बंदे का। तो यार तो कम से कम डब्बे गिने मैंने यहाँ पे, कम से कम 100 किलो टब्लरॉन इनके पास, 100 किलो, एंड ये भी 2-2 किलो गए, तो कितनी किलो चॉकलेट लेके बैठे हुए यहाँ पे लोग। उस तरफ बढ़िया 8 सेकने का जुगाड़ है फ्री में, फ्री वाले आइटम को मैं ज़्यादा दिखाऊंगा, पैसे वाले कम ये फ्री की ऐसी दीवार से बना रखी है फ़ोटो खींचने के लिए अपनी। ये फेरिस व्हील है, अच्छा खासा बड़ा है, और इसकी प्राइस पता नहीं, लेकिन मैं करूँगा नहीं, ये बच्चे वाले काम है। और इस तरफ भी बना रखा है इन्होंने। ये सब कुछ टेम्परेरी है, टाउन का सेंटर है ये। जब आप आएंगे नॉर्मल डेज़ में, नॉर्मल मंथ में, समर में आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ, सिर्फ ऐसे जो पार्क बनाता है वो मिलेगा आपको। लेकिन क्रिसमस में आने का ये फ़ायदा है, रौन के देखो यहाँ पे आप यार। और एक ये चीज़ मेरे को बड़ी सही लग रही है, ये ऐसे लाइट हाउस सा बना रखा है ऊपर जाके ना, ये जो साइड में कुछ दिख रहा है स्पायरल सा,
ये स्लाइड है एक तरह से, मैट के ऊपर आप आओगे यहाँ से स्लाइड करते हुए। मैं सोच रहा हूँ ये करूँगा क्योंकि इन चीज़ों को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाता यार। बस ऐसे टिकट्स के लिए काउंटर बनाए हुए हैं, उसमें आप ले सकते हैं। अब ये जो फेरिस व्हील की थी और साथ में इस वाले की 129 करोन की है, और सिर्फ लाइट हाउस वाले की 35 करोन की है। ये टिकट ले ली है एक हमने। थैंक यू। और ये मैट लेके जाना है ऊपर। मैट तो बड़े भारी हैं यार, ये जूट के हैं पूरे। चढ़ना है अभी ऊपर, पूरा ऊपर तक। बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ थी, ऐसे जाते हैं। अरे क्या है ये रैंच, अबे चुत्तड़ बज गया भाई साइड से। ये बजता साइड में लक्कड़। युद्ध गांग मतलब एग्जिट और इन गांग मतलब एंट्री। कुछ कुछ सीख रहा हूँ मैं यहाँ के लैंग्वेज। नहीं था यार, बस कुछ ज़्यादा बड़ा विंटर वंडरलैंड नहीं है यहाँ का। लास्ट ईयर जब मैं स्कॉटलैंड में था तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उस टाइम कोरोना नहीं था। यही एक मतलब सोचने वाली चीज़ है कि कोरोना के टाइम पे इतना मिल रहा है तुमको, वही बहुत है यार। और अभी वैसे भी नया स्ट्रेन जो मिला है वायरस का, आजकल न्यूज़ में आया है, और थोड़ा माहौल ख़राब हो गया उससे। डेनमार्क और UK में लॉकडाउन लग गया, पता नहीं यहाँ भी कल हो जाएगा। सो इन सब के बावजूद अगर ये सब मिल रहा है सेफ्टी के साथ, पूरी सेफ्टी है, सो सही है यार। मतलब ओवरऑल अभी आज की में इतना था, बाकी कल सुबह उठ के और घूमेंगे यहाँ का। पीछे ये मेरे पार्लियामेंट है, दिन में दिखाऊँ आपको, बाकी कल देखना। और सब्सक्राइब करते जाओ यार, करते जाओ, देख रहे हो तो करते भी जाओ। चलो धन्यवाद, मिलते हैं।